मित्रों जय सिया राम, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूँ। धनतेरस का जो पर्व है दिवाली के दो दिन पहले ही रहता है, 13, 14 और अमावस के दिन दिवाली मनाते हैं। तो धनतेरस के दिन बोला जाता है कि कुबेर जी का विशेष दिन है और अगर पुष्य नक्षत्र आसपास पड़ जाए तो माता लक्ष्मी का जन्म नक्षत्र है। तो हम सभी इस दिन और दिवाली के पर्व के आसपास माता लक्ष्मी, क्योंकि बोला जाता है कि पृथ्वी लोक पर आती है, विचरण करती है और जो भी उनके अनुकूल रहते हैं उनके घर पे लक्ष्मी बरसाती है। शायद इसी कारण से हम सभी अपने घर पे रंग रोगन करते हैं, दिया जलाते हैं और गोबर का जो लेपन है, क्योंकि गोबर जो है विशेष रूप से जब लेपन किया जाए या घर में प्रयोग हो तो वहाँ गौ माता का वास माना गया और माता जी के गोबर में ही माँ लक्ष्मी जी का वास माना गया। तो धनतेरस जो है ये कुबेर जी का दिन है, दीपावली माता लक्ष्मी जी का है लेकिन धनतेरस जो है कुबेर जी का दिन है, जो धन के कोषाध्यक्ष हैं, जो धन के रखवाली भी करते हैं और कहाँ आय व्यय करना है वो माता उनको निर्देश करती है, उसी को ही वो करते हैं। तो कुबेर जी तो माता जी के संपर्क में है, माता जी की कृपा पहले आपको चाहिए। सबसे पहले बोलते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर आप कोई भी पर्व त्यौहार मना रहे हैं तो घर की जो महिलाएं हैं, नारी है, कोई भी कन्या है, छोटी बच्ची है, बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी महिला वर्ग है उनको विशेष रूप से आपको प्रेम भाव के साथ रखना है। मैं कई जगहों पर जाता हूँ, अनुभव में ये है कि त्यौहार के दिन भी घर की माता बहनों को एक पुरुष डांट देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। त्यौहार में एक आनंदमय वातावरण रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगा कि धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन में विशेष रूप से आप ऐसे क्या उपाय करें कि साल भर आपके घर पे बहुत सारा धन और जो लक्ष्मी मैया हैं वो स्थिर रूप में रहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो भी बिजनेस करते हैं, कर्म करते हैं, उसका जो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। बहुत सारे मेरे भाई बंधु दुकान खोले रहते हैं लेकिन दुकान चलता नहीं है। कई मित्र लोग छोटे दुकान चलते रहता है, सोचते हैं बड़ा कर ले, बड़ा करते ही उनकी दुकान वहाँ पे चौपट हो जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चिंतित वो तो रहता ही है लेकिन हम तक बात आती है तो हमारा एक कर्तव्य है, एक ज्योतिषी का कर्तव्य है कि उनको सही उपाय बताना। तो मैं आपको एक सरल सीधी बात पे लाता हूँ। सबसे पहले हम विशेष रूप से यही देखेंगे कि दुकान क्यों, किस कारण से नहीं चल पाता है। सबसे पहला कारण दुकान के न चलने का कि हमारी दुकान में साफ सफाई का नहीं होना। दूसरा वास्तु दोष होना। अगर आप दक्षिण दिशा की ओर सिर करके बैठे हैं या दक्षिण दिशा की ओर, कचरा जो है पूर्व की ओर ज़्यादा भगवान का स्थान ना होके दक्षिण की ओर स्थान है और जो ग्राहक है उसके अनुकूल अगर वातावरण नहीं है तो दुकान वहाँ पे, मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब मैं सीधे यहाँ पे बताऊँगा कि दुकान न चलने का पहला कारण है कि किसी की नज़र लग सकती है। तो नज़र से क्या लक्षण है जिससे कि हम जाने कि किसी की नज़र लगी है और इसको कैसे हटाएं। सबसे पहले हमारे दुकान में कोई भी ग्राहक आएगा तो जल्द से जल्द वो जाना चाहेगा, उसको बार बार आप रोकना भी चाहेंगे कि भैया रुक जाइए, लेकिन वो तुरंत जाना चाहे। आपका भी जो दुकानदार है, जो मालिक है, वो भी अपने दुकान पर जाने से पहले बार बार थोड़ा सा आलस करने लग जाएगा। तीसरी बात, दुकान में ज़्यादातर काली चीज़ें, भूरी चीज़ें या बार बार बिल्ली का आना या जाला का लगना, ऐसी चीज़ें आपके दुकान में हो रही है तो आप समझ जाइए कि बाहरी कोई प्रभाव आपके दुकान पर पड़ा हुआ है। ये प्रभाव ऐसा नहीं है कि कोई नज़र मार दिए, कोई मंत्र मार दिए, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे प्रभाव यही है कि कोई व्यक्ति आपके दुकान को ईर्ष्या से देख दिया या ईर्ष्या के भाव के साथ वो बार बार आपके दुकान में आ रहा है तो वो नेगेटिव आपके दुकान पर स्थिर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हमको बहुत सारा गलत एडवाइस भी देते हैं तो एडवाइस अनुभव के आधार पे आपको लेना चाहिए। साथ ही ये बात है, आपका मुंह जिधर रहे वो शुभ दिशा हो, आपका स्थान हमेशा लक्ष्मी जी के आसपास या मोर पंख के आसपास में रहना चाहिए। आपके दुकान में चोरी हो सकती है, आग लग सकता है, आपको बार बार गुस्सा आएगा, अपने कारीगर को आप बार बार भगा देंगे या वो आना नहीं चाहेंगे, ये सभी ऐसे कारण हैं जिसके कारण से। साथ ही आपके दुकान में ऑर्डर नहीं मिलेंगे, आप बार बार पीछे पड़े रहेंगे लेकिन ग्राहक आपको ऑर्डर देना पसंद नहीं करेंगे।
या फिर आपके पैसे को वो बार बार रोक दिया करेंगे। ये सभी कारण है जिससे नज़र या दुकान बंद जाता है। इस बंधे दुकान को खोलते कैसे हैं? बोला जाता है कि नींबू का प्रयोग माँ काली के लिए किया जाता है, और विशेष रूप से बोलते हैं कि माँ काली का जो प्रभाव है वो बुरे चीज़ों को खींच लेना और उसको नष्ट कर लेना, वही नींबू में भी पाया जाता है। नींबू जो है नेगेटिव एनर्जी को खींचता है और स्वयं में काला होकर के वो उसको फेंक देने पे हमारे घर पे वो समस्या नहीं आता, हमको पता नहीं चलता है कि कौन कौन सी एनर्जी हमारे आसपास में है। अब हमको सबसे पहला उपाय है, कोई भी अपने दुकान में बैठे तो वहाँ पे एक गिलास, कांच का गिलास हो तो अच्छा है, कोई भी एक गिलास पे आपको पानी भर लेना है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल देना है, सुगंधित जल रहे, या गंगा जल डाल दीजिए, और एक साबुत नींबू, बड़ा सा रसदार नींबू रहे बड़ा, उसको उसके बीच में डुबो देना है, और इसको शनिवार को करना है, शनिवार से शनिवार तक देखना है। अगर ये 3 दिन के भीतर काला होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि कोई विशेष रूप से किसी ने गलत प्रभाव आपके दुकान पर किया है, उसका उपाय आपको पूजा पाठ के माध्यम से करना पड़ेगा। दूसरा, दुकान में अगर लग रहा है कि ग्राहक आते हैं चले जाते हैं तो आपको विशेष रूप से देवी देवताओं का या कोई ऐसा पोस्टर या कुछ ऐसा विशेष चीज़ें दुकान में लगानी पड़ी जिससे लोग आकर्षित हो, या लाइटिंग ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो समस्या है वो दूर हो, लोग वहाँ पे आएंगे और बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आपके दुकान में नींबू और मिर्ची को विशेष रूप से धागे में बांध करके अवश्य लटकाएं, इससे भी आपकी जो समस्या है वो दूर होगी। साथ ही आपके व्यापार व्यवसाय में आप हनुमान जी का उड़ता हुआ चित्र को सामने में लगाएं, इससे भी आपका व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। धनतेरस के दिन अवश्य अपने दुकान पे व्यापार व्यवसाय में पूजन कराएं, कोई भी पंडित जी को बुलाएं, श्री सूक्त का एक पाठ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उनको विनती करें कि आप एक श्री सूक्त का पाठ करें, और उस पाठ तक आप भी श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, कुबेराय नमः, कुबेराय नमः, ऐसा करके आप पढ़ सकते हैं। इसको अवश्य पढ़ें, इससे आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी, अवश्य आपको लाभ मिले। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ इस छोटे से उपाय को आप अवश्य करें, और इन्हीं उपाय के द्वारा आप दुकान में लगातार वृद्धि पाए। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, राम राम, जय सियाराम।